Hello children, take out your Fusion Semester 2 book and open page number 10. Okay? Page number 10, lesson number 1, continue हो रहा है. ये हमने दो दो बार lesson revision कर लिए हैं. A Day in Rohan's Life, है ना? हमने दो बार revision कर लिए हैं. फिर भी आप पुराने वीडियो देख के भी, कल का वीडियो देख के भी वापस एक बार रिवीजन कर सकते हैं. उसमें हमने नोटबुक वर्क पूरा कंप्लीट किया है. आज हम टेक्स्ट बुक में जितनी वर्क बाकी है वो हम कर लेंगे. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट. तो आज हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है 1, 2, 3, 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, ये हम कंप्लीट करेंगे. यहाँ पे देखिए क्लूज इन इस बॉक्स में दिया हुआ है. फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट. फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करना है. तो इस बॉक्स में जो वर्ड्स हैं इन्हें हम यूज करेंगे ब्लैंक्स को भरने के लिए. ओके, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. देर आर 60 मिनट्स इन एन डैश इन एन आर. ओके, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. तो ये रहे आर की स्पेलिंग, HOUR, आर. ये हमने आर को टिक कर दिए और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे हमने लिख दिए आर. ओके, देर आर 60 मिनट्स इन एन आर. एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं. ओके, नंबर टू, देर आर 24 आवर्स इन अ डैश इन अ डे. ओके, ये हमने डे लिख दिया, DAY. देर आर 24 आवर्स इन अ डे. एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. कितने आवर्स होते हैं एक दिन में? 24 आवर्स. और 1 आवर्स कितने मिनट में होते हैं? 60 मिनट में. ओके, 60 मिनट्स में एक आवर, 1 आवर, एंड 24 आवर्स में 1 डे. ओके, नेक्स्ट नंबर 3, देर आर 7 डेज इन अ डैश इन अ वीक. यहाँ पे लिख दिए हम वीक, EE है. ओके, WEEK. There are 7 days in a week. एक हफ्ते में, एक वीक में कितने डेज होते हैं? एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं? 7. कभी आपने काउंट करके देखा है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. काउंट करके देखना, 7 days होते हैं. ओके, नंबर 4, देर आर 12 मंथ्स इन अ डैश. देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं. जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. टोटल 12 मंथ्स होते हैं. 12 महीने की एक साल होती है. देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. ओके, What time is it? Fill in the blanks. यहाँ पे देखिए कुछ वॉचेस आपको दिख रहे हैं जिनके अलग अलग टाइम्स आपको शो कर रहे हैं. आपने कभी देखा है घड़ी, घड़ी में कितने हैंड्स होते हैं? देखा है घड़ी की ना 3 हैंड्स होते हैं. एक यहाँ पे 2 ही शो किया जा रहा है बट 3 होते हैं. एक है आर की, एक है मिनट्स की, एक है सेकंड की. सेकंड की जो हैंड्स है ना वो हमेशा घूमता रहता है, टिक 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 करके पूरी घड़ी घूमते. जैसे यहाँ से 12 o'clock से वो स्टार्ट करेगा ना, तो टिक 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 करके घूम के ये पूरा एक बार कंप्लीट करेगा तो 1 मिनट होगा. तो ये है मिनट का हैंड. ये जो थोड़ा सेकंड का हैंड ना मिनट के हैंड से थोड़ा लंबा होता है. ठीक है, इसे सोच लीजिए ये सेकंड का हैंड, ये पूरा घूम के आया. अगर यहाँ पे आएगा 1 मिनट
एक मिनट उसका होगा, तो ये मिनट का जो हैंड है वो थोड़ा मूव करेगा, यहाँ पे आएगा, और ये पूरी जो गैप है यहाँ पे ऐसे घूम घूम के वो पांच बार पूरा घूम लेगा, तो पांच मिनट वो कवर करेगा। पांच मिनट जैसे ही सेकंड का जो हैंड है वो पांच मिनट कवर करेगा, तो ये जो मिनट का हैंड है ये पांच मिनट बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 12 से खिसक के 1 तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही पांच बार और घूमेगा तो 5 से और 5 मिनट्स उसका बढ़ जाएगा, मतलब 1 से 2 में आ जाएगा। ओके, ये जो मिनट का हैंड है वो, बट ये मिनट का हैंड भी पूरा ऐसे ही पांच मिनट करके घूमेगा, पूरा 12 तक वापस पहुंचेगा ना, तो पूरा 12 तक वो जब वापस पहुंचेगा तो इसने पांच करके एक 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 करके पांच घुमा, देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, देखो 60 मिनट्स उसने कवर कर लिया ना। जैसे 60 मिनट्स उसने कवर कर लिया तो ये जो है आर्स का हैंड है वो मूव करेगा, एक 1 आवर मूव करेगा। ये अभी 10 पे है ना, तो 11 बज जाएगा। ओके, पर 11 बजने के लिए 1 आवर कंप्लीट करने के लिए मिनट के जो हैंड्स है उसको पूरा वॉच एक बार घूमना है, तो 1 के हैंड्स एक कदम आगे बढ़ेगा, और ये मिनट का हैंड्स एक बार पूरा घूमेगा तो सेकंड का हैंड्स एक बार पूरा घूमेगा तो मिनट का हैंड जो है एक 1 मिनट आगे बढ़ेगा। ओके, तो 60 सेकंड में 1 मिनट होगा और 60 मिनट्स में 1 आवर होगा। ओके, तो अभी हम दो ही सुए से काम चलाते हैं, टू हैंड देखिए वॉच की, एक है स्मॉल हैंड एक है बिग हैंड। ये स्मॉल हैंड आर की है, बिग हैंड मिनट की है। ओके, अभी हम दो ही हैंड्स हमें दिख रहे हैं ना, तो अब दो ही हैंड्स के बारे में सीखेंगे, मिनट आर्स का हैंड एंड मिनट का हैंड्स। तो आर के हैंड्स देखिए कहाँ पर है, ये कौन सी नंबर है पता है, ये है 12, ये है 12, और यहाँ पे ये है 6, ये है 3, ये है 9। ओके, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, तो ये कहाँ पे है, आर की हैंड कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 10 पे दिख रहे हैं ना, और मिनट की हैंड जो है 12 पे है, मतलब वो पूरा एक बार घूम चुका है, एक भी मिनट आगे नहीं बढ़ा है, तो पूरी अभी 10 राउंड फिगर में 10 o'clock है। तो इट इज 10 o'clock, यहाँ पे टाइम क्या शो हो रहा है, 10 o'clock। ओके, हम यहाँ पे लिख देंगे 10 o'clock, और यहाँ पे देखिए इट इज 12:30 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, अभी इट इज 12:30, 12:30 तो दिख रहे आधा, 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट का जो हैंड है वो 30 मिनट्स घूम गया है, तो मतलब 30 मिनट्स अगर घूम जाता है तो 1 आवर का हाफ होता है ना, ये हाफ घुमा है ना, पूरा घूमेगा तो 1 आवर कंप्लीट होगा, तो ये है हाफ। हाफ पास्ट कितना, अभी पूरा घूमता तो ये 2 से मूव करके 3 में आ जाता, बट अभी आधा ही घुमा है तो 2 और 3 के बीच में है, देखिए आर का हैंड है ना, तो फिर अभी कितना बचा है, 2 हाफ,
टू और थ्री के बीच में है, तो इट इज हाफ पास्ट टू, 2:30 टाइम और हो गया, आधा आर और हो गया, मतलब 30 मिनट्स और हो गए, 30 मिनट्स को हाफ हाफ कह सकते हैं हम, क्योंकि ये आधा ही घुमा है, पूरा तो कंप्लीट नहीं घुमा है, और 2 बजने के बाद ये आधा घुमा है, तो इसलिए पास्ट, इट इज हाफ पास्ट टू। ओके, नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैं नंबर नहीं लिखूंगी, इट इज अ क्वार्टर पास्ट डैश, कितना टाइम है ये, ये है 6, क्वार्टर पास्ट हुआ है। तो ये हो गए आपके 6 क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स। ओके, ये देखिए 5, 10, 15 मिनट्स, 6, 15, तो दैट मीन्स क्वार्टर, इट इज क्वार्टर पास्ट 6, 6:15। ओके, इट इज क्वार्टर टू, क्वार्टर टू मतलब ये देखिए, क्वार्टर टू मतलब 15 मिनट बाकी होने चाहिए, 5, 10, 15, 15 मिनट बाकी है, कितने बजने में, 6 के बाद, ये 7 तक अभी भी पहुंचा नहीं है, करीब करीब है, देखिए 7 आर की जो हैंड है वो 7 की करीब है, बट पहुंचा नहीं है क्योंकि 15 मिनट्स अभी भी बाकी है। इट इज क्वार्टर टू 7 बजने में 15 मिनट्स बाकी है। ओके, ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रही है, पिक्चर को हम देखेंगे क्या है, पढ़ के हेडिंग पढ़ के देखेंगे, फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ 5 के ग्रुप्स हैं, टॉक अबाउट yourself, say what you do at different time of the day। यहाँ पे 5 के ग्रुप्स है, आप भी ऐसे 5 के ग्रुप्स बनाएंगे और अपने आप में डिस्कशन करेंगे कि आप पूरे दिन क्या करते हैं, जो यहाँ पे 5 जन हैं वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। ओके, एक जन बोले नंबर 1, आई गेट अप एट 6 इन द मॉर्निंग, आप भी आपके फ्रेंड्स के ग्रुप बना के ऐसे डिस्कशन करेंगे, आई हैव इडलीज फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट में इडलीज खाए, आई गो टू स्कूल एट आई गो टू स्कूल एट 8, मैं 8 सुबह की 8 बजे स्कूल चली जाती हूँ। अब नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, आई कम बैक होम एट 3:30, मैं 3:30 बजे घर वापस आता हूँ, 3:30 मतलब 3:30 को मैं घर आता हूँ, आई गो टू बेड बिफोर 8:30 एट नाइट, मैं 8:30 बजे के पहले ही बेड पे पहुँच जाना, सोने के लिए बेड पे पहुँच जाना पसंद करती हूँ, मैं बेड पे चली जाती हूँ सोने के लिए। ठीक है, ऐसे आप भी आपके ग्रुप बना के अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये हो गई लेसन नंबर 1, टेक्स्ट बुक कम्प्लीट।